हेलो दोस्तों, नमस्कार। द ग्रेट आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अमित। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जिसे आप अपने घर पर बैठ करके और बहुत ही छोटी जगह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो बिजनेस है दोस्तों, वो बहुत ही छोटा और बहुत ही लघु उद्योग का बिजनेस है और इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट पैक करके आसानी से सेल कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको जिस मशीन के बारे में बताने वाला हूँ, उस मशीन का नाम है बैंड सीलिंग मशीन। और इस मशीन से आप बहुत सारा प्रोडक्ट जो है आप पैक करके और उसके बाद में आसानी से इसे मार्केट में आप सेल कर सकते हो। चाहे वो हल्दी हो, धनिया हो, मिर्च हो, निरमा हो, काजू हो, बादाम हो, या दलिया हो, या और कोई अन्य प्रोडक्ट जो आपके दिमाग में आता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को जो है सील करके पैकेट में और उसके बाद में इसे मार्केट में सेल करना चाहिए, तो आप आसानी से इस मशीन के ज़रिए जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इस बिजनेस से आप हर महीने जो है लगभग 45,000 रुपये आप कमा सकते हो। दोस्तों, अगर इस मशीन में हम बिजली की बात करें तो ये घरेलू कनेक्शन से चल जाता है और एक महीने का जो बिजली का खर्च है वो लगभग 250 से लेकर के 300 रुपये तक आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और अगर इसके हम पाउच की बात करें, बहुत लोगों को समस्या होती है कि पाउच नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मशीन ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, उनका व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप उनसे बात कर सकते हो। उनका एड्रेस भी दे दिया है, उनके एड्रेस पर आप विजिट कर सकते हो। दोस्तों, ये जो पाउच होता है ये अमूमन जो है 180 रुपये पर केजी से लेकर के 200 रुपये पर केजी में मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि अपने ब्रांड से इसे बिजनेस को स्टार्ट करना, तो आप अपने ब्रांड के नाम से जो अपना पाउच है उस पाउच को आप छपवा सकते हो और उसके बाद में अपना बिजनेस आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये मशीन कुछ इस प्रकार से काम करती है। यहाँ से जो है टेम्परेचर सेट किया जाता है और टेम्परेचर सेट करने के बाद में देखिए दोस्तों, आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप जो है इसमें पैक कर सकते हो, सिर्फ आपको पाउच की ज़रूरत होगी। और दोस्तों, आप देखिए, जैसे ये जो है इसमें ये निरमा जो है ये पैक किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा अभी मशीन तुरंत ऑन किया गया है तो ये हीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको इसमें दोबारा लगाना पड़ रहा है। अगर ये मशीन एक बार हीट हो गया तो दोबारा इसमें आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हो किस प्रकार से इसमें पैक किया गया है और ये देखिए जो प्रोडक्ट है वो नीचे नहीं गिर रहा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसे अपने घर पर बैठ करके और इसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही थोड़ी जगह से आप शुरू कर सकते हो। आपका चाहे कोई छोटा शहर हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इस दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसे आपको कहां पर सेल करना है, तो इसे सेल करने के लिए दोस्तों आप अपने मार्केट में जाइए और जो आपके मार्केट में किराना शॉप की दुकानें हैं, ग्रॉसरी शॉप की दुकानें हैं, वहाँ पर जो है आपको इसे सेल करना है। दोस्तों, आपको जो प्रोडक्ट मंगवाना है, यानी जिस प्रोडक्ट की आपको सेलिंग करनी है, उस प्रोडक्ट को आपको होलसेलर से ख़रीदना है। बोरे में आता है सब सामान है और उसको जो है वहाँ से आपको ख़रीदना है और ख़रीदने के बाद में जिस भी चीज़ का भी आप बिजनेस करना चाहते हो उसकी आपको पैकिंग करनी है और पैकिंग करने के बाद में दोस्तों आप जो है इसे मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हो। दोस्तों, अगर इसके हम मशीन की जो कैपेसिटी होती है पाउच सीलिंग की, उसकी हम बात करें तो एक घंटे में लगभग आप 1000 से लेकर के 1200 पाउच सील कर सकते हो। और दोस्तों, अगर एक दिन की कमाई की हम बात करें तो आप इस बिजनेस को करके 1500 रुपये आसानी से कमा सकते हो, यानी आप महीने का 45,000 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी जो है शुरू में लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चलने लगे तो आप बाद में इसका जो है फूड लाइसेंस आप ले सकते हो। हालांकि फूड लाइसेंस लेना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं तो उसमें फूड लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर हम इस मशीन के प्राइस की बात करें तो ये मशीन जो है 15,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और 35,000 तक की आती है। अगर आप 15,000 रुपये की मशीन लेती हो तो उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो थोड़ा सा कम होगा। अगर आप 20,000 की मशीन लेते हो तो उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से आप मशीन ले सकते हो। आप शुरू में जो है मैं रेकमेंड करूँगी कि आप छोटी मशीन लीजिए, कम पैसे वाली मशीन लीजिए, ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। और जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, जब आपको लगे कि अब मुझे अधिक कैपेसिटी वाली मशीन चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छे तरीके से चलने लगा है, तो आप जो है बड़ी मशीन ले सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।